मेरा जो सवाल है, ये जामे तिर्मिजी के अंदर इमाम तिर्मिजी कुछ इख्तिलाफ बता रही है, लेकिन यहाँ पर अहल मदीना की 41 रकत के बारे में लिखा है और मक्का की 20 रकत के बारे में, और मक्का का जो दलाल दिया है वो अली रदुल्ला तला और उमर बिन खत्तब से। तो कुछ हनफी हजरत ये इस्तेदाल करती है ऐसे, जो इमाम तिर्मिजी की वक्त तक 20 रकत और 41 रकत के बारे में लिखा है, 39 रकत के बारे में लिखा है, लेकिन 8 रकत का कोई जिक्र नहीं है। तो इससे पता चलती है इमाम तिर्मिजी की वक्त तक कोई 8 रकत तरावी नहीं पढ़ती है, इसलिए एक तलब यानी बताया है, दो लेकिन 11 रकत की कोई सवाल है बात आपका, नहीं रखा यानी इसमें दो पॉइंट है। एक तो ये कि उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु वाली रवायत जो 20 वाली है उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया है, और दूसरा एक इसमें 11 की तादाद क्यों नहीं जिक्र की है ना। है। जी। तो पहला सवाल जो ये है ना कि 11 की तादाद क्यों नहीं जिक्र की है, तो देखिए इमाम तिर्मिजी रहमला ये अपने दौर की बात नकल कर रहे हैं, ये अपने दौर की बात नकल कर रहे हैं, पुराने दौर की बात नहीं नकल कर रहे हैं जब 11 हो रही थी। देखिए इमाम मालिक रहमुल्ला के दौर में 36 हो रही थी, उसका नकल किया इन्होंने? नहीं नकल किया। आप पढ़ के देखिए ऊपर से नीचे तक, कहीं 36 हरकत दिख रही है? नहीं 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 36 हरकत मदीना में दिख रही है? नहीं दिख रही ना। नहीं हालांकि 36 हरकत पढ़ी जाती थी पहले, इमाम मालिक रहमुल्ला के दौर में 36 हरकत पढ़ी जाती थी, तो वो वहां पे नहीं दिख रही। तो इमाम तिरमिजी रहमुल्ला जरूरी नहीं है कि हर कौल जिक्र करें वो, जैसे सीने पे हाथ बांधने के सिलसिले में। हाँ भी कुछ लोग एतराज करते हैं कि इमाम तिरमिजी रहमुल्ला ने सीने पे हाथ बांधने का जिक्र नकल नहीं किया, वो नाफ के नीचे नकल किया और नाफ के ऊपर नकल किया। भाई एक कौल तो हाथ छोड़ना भी है ना, और अब्दुल्ला बिन जुबैर जी रज़ियल्लाहु अन्हु से साबित भी है हाथ छोड़ के नमाज पढ़ना। हाँ तो क्या उसको जिक्र किया इमाम तिरमिजी जी रहमुल्ला ने? नहीं जिक्र किया। तो जरूरी नहीं है कि इमाम तिरमिजी रहमुल्ला हर कौल नकल करें, तो ऐसा नहीं है कि इमाम तिरमिजी रहमुल्ला ने कोई इस्तेआब का दावा किया है। जो एक आम अकवाल होते हैं वो नकल कर देते हैं, बहुत सारे अकवाल छोड़ भी देते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो सारे अकवाल नकल करें। तो यहाँ तरावी के मसले में अपने दौर में जैसा उन्होंने देखा वैसा पाया, ये तो नहीं कि उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से ऐसा आ रहा है, ये पहली बात। दूसरा जो है ना कि सहाबा की तरफ जो है उमर रजी अल्लाह तआला के ताल्लुक से जो नकल किया, तो क्या कहा? कहा अला मा रुविया अन उमर, कि अक्सर अहले इल्म उस तादाद पर है कि जो उमर रजी अल्लाह तआला से, अली रजी अल्लाह तआला से और वगैरह से मरवी है, इशरीन नकल। ये वो इन हदीसों को सही नहीं बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनसे भी ये तादाद नकल है। इससे ये साबित नहीं होता कि इमाम तिरमिजी रहमला उन हदीस को सही मानते हैं। अब जैसे आगे एक कॉल उन्होंने ये भी नकल किया है कि भाई एक राय यह है कि इसके अंदर कोई मुतय्यन तादाद नहीं है, जितना चाहे आदमी पढ़ सकता है। तो कह रहे हैं कि बाज अहले इल्म इस राय पर हैं जो मरवी है उमर रजी अल्लाह तआला से, यानी उनसे मंसूब है। तो हम इसका काहे इनकार कर रहे हैं, यकीन उनसे मरवी है लेकिन सही सनद से मरवी नहीं है। उमर रजी अल्लाह तआला से मरवी, यानी उनसे वो चीज़ नकल की जाती है लेकिन वो सही सनद के साथ वो साबित नहीं है। तो इमाम तिरमिजी सिर्फ बता रहे हैं कि बाज ये हैं, बाज ये हैं, बाज ये हैं, हाँ बाज ये हैं, तो वो सिर्फ गिना रहे हैं कि ये है तो ये किस बुनियाद पर है। तो कुछ लोग जो है 20 रकत पढ़ते हैं और ये कह रहे हैं कि 20 रकत ये बात सहाबा से मरवी, यानी उसे नकल की जाती है, लेकिन उसकी सनद पे हुक्म नहीं लगा रहे हैं कि वो सही है। तो अगर कोई वो पढ़ रहा है तो उनका मसला, वो अखबार गिना रहे हैं, तो उससे ये साबित नहीं होता। यानी इमाम तिरमिजी रहमुल्ला कहीं भी देते हैं ना, इमाम तिरमिजी रहमुल्ला कहीं भी देते कि वो उमर रजीलों से साबित है, तो भी ये दलील नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले मुफ्ती साहब कह रहे थे कि इमाम इबन खुजैमा रहमुल्ला, इमाम इबन हिब्बान रहमुल्ला अगर सही कह दे तो उनका दावा है, वो सही बुखारी सही मुस्लिम की तरह नहीं दूसरा कोई इख्तलाफ कर सकता है। ऐसे इमाम तिरमिजी रहमुल्ला भी है, अगर वो सही भी कह देते तब भी कोई मसला नहीं था, इख्तलाफ किया सकता, लेकिन यहाँ उन्होंने तो सही कहा ही नहीं है। यहाँ उन्होंने सिर्फ ये कहा कि उनसे ये तादाद मनसूब है, तो इससे कुछ साबित नहीं होता। इसमें वो सिर्फ तस्करा कर रहे हैं, अकवाल जिक्र कर रहे हैं, उससे कोई शरई मसला साबित नहीं होता। वो अकवाल है कि कुछ ये कर रहे हैं कुछ ये कर रहे हैं। जी अच्छा, शुक्रिया, जजाकल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। आई प्लस टीवी ने एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है जिसका नाम है आई प्लस टीवी इख्तलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जजाकल्लाहु खैर, वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।